पे आ गए हैं, देखिए आ गए हम लोग। मैं अब दूसरे बीच पे जाने वाली हूँ, तो मैं बहुत सारा मस्ती कर रही हूँ। वैसे भी मैं बीच के लिए तैयार हो गई हूँ, देखो मैंने पहन लिया अपना कपड़ा। ओह माय गॉड, मैं बता नहीं सकती कितना मजा आ रहा है। इतना तेज वेव आ रहा है ना कि बस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। गुड मॉर्निंग आवर यूट्यूब फैमिली, मैं हूँ दिव्या और आपका स्वागत करती हूँ क्रेजी मॉम एंड डॉटर में। तो हम अब सुबह का आगाज हो चुका है और हम निकल चुके हैं अपने नए बीच के तरफ। ओके, तो देखते हैं कि इस बार हम कौन से नए बीच को एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो हमारा ब्रेकफास्ट हो चुका है और अब हम पहुँचते हैं बीच पे और फिर वहाँ पे आपको दिखाते हैं कि वो बीच कैसा है। मैं भी तैयार हो चुकी हूँ और मेरी बेटी भी तैयार हो चुकी है ग्रीन ग्रीन ड्रेस में। गोवा वाले बीच पे ये डांस करेगी। तो दिखाओ ह्यू। ओके, कुछ कहना चाहोगी? वो नहा रहे पानी का पेड़ देखो। हाँ देखो फ्रेंड्स, वो नहा रहे पानी का पेड़। और क्या फ्रेंड्स को दिखाओगी? ये हाँ, और मेरे मिस्टर हैंडसम भी आ चुके हैं तैयार हो करके। और आज हम सब ग्रीन ग्रीन गोवा में हैं, ग्रीन ग्रीन बन के। ओके ओके, और क्या दिखाओगी? बीच की तरफ और इतने खूबसूरत मौसम को देखते हुए बस एक ही गाना गाने का मन कर रहा है मेरा तो। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, सुहाना सफर और ये मौसम हसीन, हमें डर है हम खो न जाएंगे ही। सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। तो मेरे प्यारे प्यारे यूवर्स, तो गोवा मतलब बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है और यहाँ पे 10 दिन भी रहना तो मन नहीं भरेगा, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह, उस पे से इतना सुंदर वेदर और उस पे से इतनी खूबसूरत बीच, रियली मज़ा आ गया। तो हम चल पड़े हैं बीच की तरफ और वहाँ पे ढेर सारा एंजॉय करने वाले और आपको भी दिखाने वाले कि हम वहाँ क्या क्या करते हैं। वैसे और रास्ते में मुझे पिकॉक दिख गया है, लेकिन उसने अपनी पंख ही नहीं खोली तो मुझे आधा ही देखने को मिला, थोड़ा ही देखने को मिला मतलब। तो हम पहुंच चुके हैं अंजुना बीच और बस आगे से मैं आपको इसका व्यू दिखा देती हूँ। वाकई में ये बीच बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, ये देख सकते हो आप लोग। हेलो ह्यू, ह्यू हेलो कर दो, देख लो आप, सुपर। तो आप लोग जब गोवा आओगे तो ये बीच तो जरूर ही आना, बहुत ही ऑसम है और पीसफुल है। यहाँ पे आप शांति से आप लोग यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकते हो अपने फैमिली के साथ। यहाँ पे बिल्कुल भी ज़्यादा रश नहीं है और बीच काफ़ी अच्छा है। बट इधर देखो, इधर ये लोग बीच पे जाने से पहले सनस्क्रीन लेप रहे हैं अपने ऊपर, जिससे कि इन लोगों को टैनिंग नहीं हो। और ह्यू ने तो एकदम पूरा ही नहा लिया है सनस्क्रीन से, इसको ज़्यादा ही अपनी स्किन की लगता है टेंशन है। जल्दी से आ जाओ बेबी, गड्ढा बना रही है। तो गड्ढा में क्या करोगी? इसको तो बस ये सैंड के साथ खेलने से फुर्सत ही नहीं है, जो हमारे साथ एंजॉय करेगी। गॉड, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है अंजुना बीच पे और हम लोग पानी में भी जा पा रहे हैं। मुझे लगा कि नहीं जा पाएंगे लेकिन जा पा रहे हैं, बस ज़्यादा अंदर नहीं जा रहे क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वेव है, देखो आप। लेकिन हाँ, बहुत ही मज़ा आ रहा है। एक मिनट रुको, पानी आने दो पानी। ओ
सुपर। आने दो आने दो, वेव को आने दो। वाओ ह्यू, देखे बेबी। ओ ह्यू वाओ, कितना एंजॉय हो रहा है ह्यू। ह्यू देखो ना, ओह माय गॉड। यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं और देखते हैं कि इसका खाना कैसा होता है, और आपको भी बताते हैं कि रिव्यू देते हैं कि अगर आप लोग अंजुमन आते हो तो यहाँ पे खाना टेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए हम लोग चलते हैं। लोगों ने ऑर्डर कर दिया है खाना यहाँ पे ओरा रेस्टोरेंट में, और व्यू काफ़ी अच्छा है यहाँ का, और अंदर एम्बियंस भी काफ़ी अच्छा है। जो लोग बियर पीना चाहते हैं उनके लिए तो बेस्ट है, क्योंकि यहाँ पे लॉट्स ऑफ ऑप्शन है, और स्टाफ लोग भी यहाँ के बहुत अच्छे हैं, बहुत कॉपरेट करते हैं कर रहे हैं। हम लोगों का ऑर्डर अभी तक आया नहीं है, जस्ट आने वाला है। खाने के बाद ही हम आपको रिव्यू दे पाएंगे कि अगर आप अंजुमन भी चाहते हैं तो और आना चाहिए आपको यहाँ का खाना टेस्ट करने या नहीं। ओके, और काफ़ी अच्छा एम्बियंस है यहाँ का, और सबसे अच्छी बात यह है कि व्यू इसका ऑसम है। यहाँ पे बैठ के आप खाना भी खा सकते हो और बीच के मज़े भी ले सकते हो। ये इसका सबसे गुड पॉइंट है कि आप खाना खाते खाते बीच को एंजॉय कर सकते हो, रेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे रेस्ट के लिए भी दिया गया है, और खाने का जहाँ तक बात है तो वो खाना खाने के बाद ही पता चलेगा कि टेस्ट कैसा है। ओके, फिर मिलते हैं खाने पे। तो खाना यहाँ का बहुत ही टेस्टी है, तो आप लोग यहाँ पे अगर आते हैं तो यहाँ पे खाना आप जो टेस्ट कर सकते हो। बहुत ही यम्मी खाना है। बटर चिकन जो हमने ऑर्डर किया था वो बहुत टेस्टी है, और नान भी काफ़ी अच्छा है। आपको कैसा लगा? आपको कैसा लगा? बहुत ही सुंदर, बहुत ही लाजवाब, लजीज। क्या कहना चाहेंगे लोगों को यहाँ आना चाहिए? बिल्कुल, अगर मौका लगे तो यहाँ आइए। और हमारे
खाना का स्वाद पसंद करते हैं, बहुत जगह ट्राई करना चाहते हैं, आप एक बार इधर भी ट्राई कर सकते हैं। और गाइस प्राइस भी कुछ ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल है, जो जो गोवा का प्राइस है वही प्राइस यहाँ पे भी है। ऐसा नहीं है कि बीच के जस्ट अपोजिट है तो प्राइस बहुत हाई होगा, वैसे तो यहाँ का प्राइस बहुत ही हाई है गोवा का, तो जस्ट वैसा ही है यहाँ का भी। और बहुत ही ऑसम टेस्ट लगा है, मज़ा आ गया। बदमाशी नहीं, बहुत टेस्टी है, मज़ा आ गया। रोटी नहीं, अरे बिट्टू तो चिकन भी और रोटी भी चिकन के साथ। तो आज का वीडियो यहीं तक का था, अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना। बाय बाय।